अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इन द क्लास ऑफ स्पेशल टॉपिक्स एंड टुडे इन सॉल्यूशंस वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट बाय अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. दिस सॉल्यूट विल नॉट ओनली बी नॉन वोलाटाइल, इट विल आल्सो बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट. So the method which we use for the measurement of depression in freezing point, this is Bachmann method, right? And this is the apparatus which we use for the measurement of depression of freezing point. Okay. So this is the experimental setup, as I have said. So it consists of an inner tube with a side arm. ये आपको inner एक freezing tube नजर आ रही है, this one. This is the inner freezing tube, and it has a side arm here. Additionally, it will contain solvent or solution. इसके अंदर solvent या solution हम add करेंगे, जिसका freezing point हमने note करना होगा. इसके अलावा हम क्या करेंगे कि इसको फिट करेंगे इसके अंदर एक बैकमैन थर्मामीटर. इस बैकमैन थर्मामीटर के मुतालिक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था. दिस इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव थर्मामीटर विच कैन मेजर अप टू अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 0.01 केल्विन. इसके अलावा इसके अंदर हमने ये एक स्टरर जो है वो डाला हुआ है सॉल्वेंट या सोल्यूशन को फैलाने के लिए. इसके अलावा क्या है कि हम इस फ्रीजिंग ट्यूब को एक ये बड़ी आउटर ट्यूब में हम सेट कर देते हैं, ठीक है. आउटर लार्ज ट्यूब में हम इसको एडजस्ट करते हैं. अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रीजिंग ट्यूब और ये आउटर लार्ज ट्यूब है, इसके दरमियान ये जगह खाली है. एक्चुअली दिस स्पेस इज़ फिल्ड विद एयर, ये हवा से भरी होती है. और ये एयर जैकेट जो है उसका काम क्या है, दिस विल हेल्प टू अचीव अ स्लोअर एंड मोर यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग. तो इसकी वजह से ये जो एयर यहाँ पे भरी हुई है, इसकी वजह से यू कैन गेट अ स्लोअर एंड मोर यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग. इसके अलावा हमारे पास ये लार्ज जार है जिसके अंदर ये आउटर ट्यूब को फिक्स किया हुआ है कंटेनिंग द इनर ट्यूब. और इस लार्ज जार के अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर है, ठीक है. और हम क्या करते हैं कि 20 से 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन इन द फ्रीजिंग ट्यूब. तो पहले हम 20 से 25 ग्राम सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का हमने जो मेजर करके उसका वॉल्यूम नहीं लेना बल्कि उसका वजन लेना है, ठीक है. तो सॉल्वेंट के 20 से 25 ग्राम हम इसमें डालेंगे और वो वेइंग बैलेंस के ऊपर मेजर होगा. एक्चुअली हम क्या करेंगे कि पहले आप जो है ये फ्रीजिंग ट्यूब का वेट करेंगे वेइंग बैलेंस के ऊपर, और फिर आप उसमें सॉल्वेंट डालेंगे. उसमें से जब आप सॉल्वेंट और फ्रीजिंग ट्यूब के वेट में से फ्रीजिंग ट्यूब का वेट माइनस कर देंगे तो आपके पास प्योर सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा. तो हमने इस तरह से 20 से 25 ग्राम सॉल्वेंट लेना है फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर, और इस तरह से करना है. द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज ए मस्ट इन द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की इतनी क्वान्टिटी होनी चाहिए कि थर्मामीटर का बल्ब उसमें इमस्ट हो. फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज मेजर्ड. पहले हम अंदाजन जो है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करेंगे बाय डायरेक्टली कूलिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब इन द फ्रीजिंग मिक्सचर. यानी हमने क्या करना है कि डायरेक्टली फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब को, यानी पहले हमने ये एयर जैकेट बीच में नहीं लगानी बल्कि इस फ्रीजिंग ट्यूब को डायरेक्टली इस फ्रीजिंग मिक्सचर में डाल के, तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट डाला है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने मेजर कर लेना है. इसके बाद हमने फ्रीजिंग ट्यूब को एयर जैकेट में डालना है और उसको स्लोली कूल करना है. इन दिस वे एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज डिटरमिंड, और इस तरह से हमें एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का मिल जाएगा. नाउ द सॉल्वेंट इज रीमेल्टेड बाय रिमूविंग द ट्यूब फ्रॉम द बाथ and weighed amount of 0.2 to 0.3 gram of solute is introduced in the side arm. तो फ्रीजिंग ट्यूब में जो साइड आर्म था उसके ज़रिए हम सॉल्वेंट को मेल्ट करके, क्योंकि वो फ्रीज हो चुका था,
पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री ग्राम सल्यूट हम डाल देंगे, उसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि वो सोल्यूशन बन जाए। इसी तरह से जिस तरह से हमने फ्रीजिंग पॉइंट सल्यूट का लिया था, फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का भी डिटरमिन कर लेंगे। और फ्रीजिंग पॉइंट वो वाला टेम्परेचर होता है जिसमें हमें फर्स्ट क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में नज़र आने लग जाता है, और इसमें इस दौरान हमने स्टर करते रहना है सोल्यूशन को। द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीजिंग पॉइंट्स गिव्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ, और ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम मोलर मास सॉल्यूट का डिटरमिन कर लेंगे, यानी डेल्टा टी एफ जो है वो किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू टी वन माइनस टी टू। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरह से जितना भी सॉल्यूट के ऐड करने से सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ है, कम हुआ है, वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, और वो डेल्टा टी एफ के बराबर होगा। उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में लगाएंगे और ये मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का हम इस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड देखें, ये एक न्यूमेरिकल है और इसमें हम क्या करेंगे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कैम्फर इज 178.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कैम्फर है, ठीक है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 178.4 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 140 इन 40 ग्राम ऑफ कैम्फर। अब देखें, ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है कैम्फर का इन्होंने 178.4 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कैम्फर, ठीक है, ये प्योर कैम्फर का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब हमने इसका कितना फ्रीजिंग पॉइंट 178.4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ, जब हमने 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड जिसका मोलिक्यूलर मास 140 है और इसको हमने 40 ग्राम कैम्फर में ऐड किया। जो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ कैम्फर है वो है 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड के जी पर मोल। सो दिस इज अ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट विच दे हैव गिवन। अच्छा जी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर है 178.4 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज क्वाइट हाई। आपको पता है वाटर का तो सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मास ऑफ सॉल्यूट जो हमने ऐड किया है 2 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट ये वाला है 40 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 140 ये दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, और मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट ये सॉल्वेंट का कैम्फर का दे दिया है। अब ये देखें, चूंकि ये कैम्फर का ये है, वाटर का तो बहुत कम है, 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड के जी पर मोल ये मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो हमने मालूम करना है। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन मालूम करने के लिए हमें पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, और डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करने के लिए ये तमाम की तमाम वैल्यूज हमारे पास हैं, ठीक है, और हम क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो फर्स्ट वी गेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, और फिर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाती है आपके पास 13.46 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ जो है ये बराबर होता है, ये हम दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में किया था, डेल्टा टी एफ जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डेल्टा टी एफ दिस इज इक्वल टू टी वन विच इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस टी टू विच इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यानी ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है टी टू। तो टी टू जो है दिस विल बिकम इक्वल टू डेल्टा टी एफ माइनस टी वन, और चूंकि इधर भी इस माइनस को अगर हमने ख़त्म करना है तो इधर जो वैल्यूज़ हैं उनके साइंस उल्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से टी टू जो है वो आपके पास बराबर आ जाएगा टी वन माइनस
डेल्टा टी एफ, ठीक है। और प्योर सॉल्वेंट यानी कैम्फर का फ्रीजिंग पॉइंट है आपके पास 178.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू है वो है 13.46 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें से आप ये वाली वैल्यू निकाल देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपके पास आ जाएगा 164.94 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट अ लो वैल्यू, यानी जब हमने 2 ग्राम नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड ऐड किया कैम्फर के अंदर तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 178 से कम होके 164.94 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है सिर्फ 2 ग्राम नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड ऐड करने से, जो कैम्फर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना ज़्यादा कम हो गया, 178.4 से ये रह गया 164.94 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।